गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ देखने वाली हूँ एक हर्ष बेनीवाल का वीडियो, जो कि अभी न्यू अपडेट किया है उन लोगों ने दारू विद डैड्स। इसके पार्ट्स पहले भी आ चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है। तो अभी टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं चलती हूँ जल्दी से वीडियो देखने के लिए, और आप लोग भी साथ चलिए। आपको पता ही है वैसे भी इसका वीडियो कितना सुपर्ब होता है। तो अभी हम टाइम ना वेस्ट करते हुए क्या यार, क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में? पूरी वीडियो डबल मीनिंग पे होती है इसकी, बट अच्छी होती है। बटाई सारी ना आरी तेरे गेड ने भी कर रही थी यार। ये तेरी बहन की बहन की टंटना टन। अरे कदम बड़ी भाई साहब, क्या हाल है आपके? हैं कहाँ हो आजकल, दिखते नहीं हो यार। अबे तो किसने कहा था चैरिटी के नाम पे आके डोनेट करने को? इसकी बहन की टंटना टन टंटना टन। अरे उसको आंखों की क्या ही जरूरत जिसकी इतनी प्यारी बीवी हो। अब यही बनेगी मेरी आंखें, और इसी की आंखों से देखूंगा मैं सारे नजारे, कश्मीर टू कन्याकुमारी सब सब देखूंगा सब। कश्मीर टू कन्याकुमारी अभी हम देखते हैं कि क्या क्या देखेगा। पुसी। और बताओ भाई साहब क्या चल रहा है? हाँ जी, हेलो, कहाँ गए? अरे क्या कह रहा था मैं? हाँ, बीवी तो आपकी बड़ी सीधी है, बिल्कुल कुत्ते की पूंछ जैसी। पर कुत्ते की पूंछ तो टेढ़ी होती है ना? एग्जैक्टली। मतलब मेरा मतलब है कि आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको ऐसी बीवी मिली है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी बीवी सबको दे दे। हमें तो दे ही रही है। क्या मेरा मतलब कि आप बहुत अच्छी बीवी मिली है आपको, बहुत अच्छी, और आपको बहुत अच्छी संतान है। मैंने मार्केट में सुना है कि आपका बेटा जोरदार आईआईटी की तैयारी कर रहा है फुल ऑन। हाँ, माय सन इज माय हार्ड वर्किंग फीमेल डॉटर, पूरे दिन कमरा बंद करके पढ़ता रहता है। अरे आंखें लाल पड़ गया बेचारे की। दिन भर बस यही बोलता रहता है। Yes. 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 ये एडिटिंग इसकी वीडियो। Yes, मुझे आईआईटी क्रैक करना है। वेरी हार्ड वर्किंग चाइल्ड। ये बादाम भी लेके आया हूँ उसके लिए, अभी जाके उसको बादाम का दूध दूंगा। तो मैं चलता हूँ जरा, ठीक है? उसको दूध पिला के दूध पीने आता हूँ भाभी। मतलब भाभी से मिलने आता हूँ, ठीक है? ओके, बाय 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 बाय। इसकी अपनी अलग ही पढ़ाई चल रही है। पढ़ रहा था। आखिर बाप को पता होता है अपने बेटे का? हाँ। तो इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? टेंशन में? वो पापा फ्यूचर की टेंशन है ना मुझे बहुत। पता नहीं आईआईटी में होगा नहीं होगा,
एक अच्छी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको अच्छी लाइफ दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, बहुत टेंशन है पापा, बहुत ज्यादा। कुंदन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू बस अपनी मेहनत ईमानदारी से करता रहे और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दे। और सुन, अगर IIT में नहीं भी हुआ ना तब भी तू जॉब की टेंशन मत लियो, क्योंकि रीलेवल है ना, जितने कॉम्पिटेटिव पैकेज और अच्छी जॉब वहाँ मिलती है ना उतनी अच्छी रीलेवल पर भी मिलती है। रीलेवल सुना हुआ है मैंने लेकिन ज्यादा पता नहीं इसके बारे में, थोड़ा डिटेल में बताओ ना। अरे रीलेवल एक बहुत ही सही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक आसान सा टेस्ट देकर अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हो, वो भी घर पे बैठे बैठे। वैसे तो पापा एक कहने वाली बात होती है, मिला है किसी को कुछ? अबे यो, वो सार्थक नहीं है देहरादून वाला, उसने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की थी और उसको ब्लू स्टैक्स में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब मिल गई है रीलेवल के थ्रू। बात कर रहा है, आप लोग भी कर सकते हैं रीलेवल। और वैसे कौन कौन सी कंपनीज हायर करती हैं यहाँ पे? ओला, स्विगी, इन जैसी 200 से ज्यादा कंपनियां इधर। और अभी और सुन, जितने भी लोग इसके अंदर टॉप स्कोरर है ना उनको रीलेवल फ्री एप्पल प्रोडक्ट्स भी देता है, ठीक है? आप लोगों को एप्पल प्रोडक्ट्स चाहिए? अभी अपना करियर रीस्टार्ट करो, रीलेवल ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? ओके, हां तू पढ़ बेटा आराम से, मैं तेरे लिए बादाम का दूध लेके आता हूं। ठीक है पापा, ओके, ठीक है, गुड। Naughty America. Nobody. Nobody. Nobody does it better. Sorry, Papa. Aram Jade. Papa, shant ho jao. Papa, aram se. Papa, shant ho jao. Compromise. पापा सॉरी यार, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, हमेशा अंदर बेचैनी सी रहती है और आजकल तो अजीब अजीब सपने भी आ रहे हैं मेरे को, मैं कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पापा, यार कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे सब समझ आ गया बेटा, छोटी डंडी है मोटा लक्कड़ बन चुकी है और वो लक्कड़ आरे को कह रही है ले चलो मुझे गुफाओं के अंधेरों में जहां मैं अपना उजाला ढूंढ सकूं, है ना? नहीं समझ आया ना? नहीं, क्योंकि एक बाप की तरह समझा रहा था। मुझे तेरा दोस्त बनना पड़ेगा कुंदन, और दोस्त बनने के लिए शुरू करें तीसरा एपिसोड, क्योंकि वैसे ही बर्फी पे व्यूज नहीं आए हैं। बिल्कुल नहीं, इस बार बिल्कुल, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। केड़ी मेरी बात सुन, अगला 90 ml से 90 ml कम हुआ तो मैंने बुंड मार लेनी है फैंचोत। प्यो पुत दिया हुंदिया ने यारियां, आ बाप पाई बंगले। यस, पिछली बार भी तुमने ऐसा कुछ ट्राई किया था, याद है ना क्या हुआ था? कुंदन माय चाइल्ड, यू आर 10 years नाउ, अब तुझको तेरे बारे में एक बात बतानी चाहिए। जैसे तू ड्राइंग क्लास में ये वाली पेंसिल यूज करके आर्ट बनाता है, वैसे ही भगवान ने भी तेरे को एक पेंसिल दी है और आगे चल के तू उससे आर्ट बनाएगा जिसको लाइफ कहते हैं, और उस पेंसिल से तू बड़े बड़े काम करके छोटे छोटे कुंदन लाएगा, छोटे छोटे। पापा तो जैसे इस पेंसिल का नाम शेड पेंसिल है तो मेरी पेंसिल का क्या नाम है? तेरी पेंसिल का नाम है पेनिस। ये पेनिस, पेनिस, यस, या, या, पेनिस, गुड, विद ग्रेट सन comes great responsibility of giving them sex education. I'm proud. Okay students, तो आज हम portrait बनाना सीखेंगे. So can anyone give me a pencil? Ma'am, आप ना मेरी पेनिस लीजिए. ये क्या बोल रहे हो तुम? पेंसिल मांगी है मैंने, पेंसिल? हाँ मैम वही तो कह रहा हूँ, पेंसिल मतलब पेनिस। मैम आप ना कुंदन का नहीं मेरा पेनिस लीजिए, मेरा पेनिस मेरे पापा लंदन से लेके आए थे और वो बहुत अच्छा और बहुत शार्प है,
और मेरे पापा ने वो पेनिस मेरी मासी को भी दिया था, उन्हें भी वो बहुत अच्छा लगा। चुप कर मोटे। नहीं मैम, आप ना मेरी पेनिस लीजिए, मेरी पेनिस सबसे सार पे। नहीं नहीं मैम, आप मेरी पेनिस लीजिए, मेरी पेनिस इन सबसे लंबी है। नहीं 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 मैम, मेरी मेरी सबसे बेस्ट मैम। नहीं, पहले मैंने बोला था। चुप चुप, मैंने बोला था। क्या डालता है ये वीडियो में? एग्जाम्पल नहीं सही दिया था ना मैंने। चल कोई नहीं, इस बार नहीं होगा ऐसा कुछ, ठीक है? हैं? सेकंड, लेट्स टॉक अबाउट योर लर्न। क्या क्या कर रहे हो पापा यार? सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड। कॉक बोलू कॉक? हैं? कॉक तो बोलू कॉक? हैं? कॉक बोलू? हाँ ठीक ठीक है, ठीक है। तो बेटा कंड, टेल मी अबाउट योर कॉक एक्सपीरियंस। कभी तू ये मैथुन जानते हैं मैथुन? बिजली केडी, कितने अच्छे एक्टर हैं मैथुन जी, और उनका ग्रैंड सल्यूट। ए, उसका ग्रैंड सल्यूट छोड़, तेरे ग्रैंड सल्यूट की बात कर रहा हूँ। अबे सल्यूट मार के दिन में कितनी बार राइफल चलाता है? केडी देखो, मैं ना वॉयलेंस के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अबे आराम जाते। Cool. उधर आओ, चल। ये देख। ऐसे कितनी बार करता है दिन में? किडी मैं ना चूतिया नहीं हूँ कि दारू का मिक्सर ऐसे वेस्ट करूं। क्या यार, इससे अच्छा तो मैं टीवी देख लेता, टाइम वेस्ट कर दिया तुमने। तो यार हटो। चूतिया ये तू, तेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? अबे मैं कह रहा हूँ कि दिन में खाली रहता है पूरे घर में तो क्या करता है? अकेले रह के कुछ तो करता होगा। क्या करता है? कुछ नहीं करता है। क्या क्या करता है? बताना कितनी बार करता है, मुन्नू क्या कर रहा है? पूछ रहा हूँ कितनी बार करता है चूतिया? हाँ बता। वही मतलब नहाने गया हूँ तो एक बार। हाँ नहाते टाइम ठीक है, होता है तो पानी टच हो जाता है तो फीलिंग आ जाती है। मैं भी कर लेता हूँ, इट्स फाइन, वन टाइम इज गुड। कोई नहीं, तुम्हें पता है मैं कितना पढ़ता हूँ, आपको पता है ना? तो ना स्ट्रेस हो जाता है तो एक और उधर दो दो कुछ नहीं हुआ। दो भी बुरी बात नहीं है, भगवान ने वैसे ही सब कुछ दो दिया है, दो कान दो आंख दो हाथ दो टट्टे, दो टू इज गुड। हाँ वही, आजकल थकता भी 5-6 बार हूँ। तो जैसे अभी मैं दारू पी रहा हूँ है ना, दारू पीते पीते मूड बन जाए तो दारू बन जाए। ए जेब से आधा निकल, आधा निकल। कंड, पिछले महीने जब हमारा एसी खराब हुआ था तो इलेक्ट्रिशियन ने क्या बोला था क्यों खराब हुआ है? यही कहा था कि दिन भर एसी को चला के घिसोगे तो फूकेगा ही। हाँ, किसी चीज को ज्यादा चलाओगे तो फूकेगा ही, और अगर ये फूक गए ना बेटा तो समझ तेरी लाइफ का शॉर्ट सर्किट पक्का। तो केडी मैं क्या करूं यार, मेरी गलती नहीं है, सब अपने आप होने लगता है। और मुझे लगता है ना, मैं इसलिए इतना कर रहा हूँ क्योंकि क्योंकि मुझे ना खुद को प्रूफ करना है मेरा मीटर डाउन नहीं है। मीटर गंडवेल, तू ऑटो चलाने लग गया क्या? नहीं यार, मेरा मतलब जो मेरी चिड़िया है ना वो बाज नहीं बन पा रही। चिड़िया बाज? ओए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा है क्या तू?
नहीं कंड ब्रो, तू सिर्फ इंजीनियरिंग कर, कोई जरूरत नहीं है 3 8 का फरान बनने की, क्योंकि अब्बा नहीं मानेंगे। क्या आदमी हो यार, नहीं क्या बोलता हूँ क्या समझते हो? अरे मेरी लुल्ली छोटी है, छोटी पुलुल पे आके अटक गई है, ली नहीं बन पा रही। देखा कैसी बात कर रही थी? हाँ दिखा आपने लुल्ली, दिखा मेरा मतलब लुल दिखा लुल। नहीं यार केडी नहीं, तुम जज करोगे, मैं नहीं दिखा रहा, सॉरी। कैसी बात कर रहा है यार गंडबैल, मैं 30,000 की कोर्ट में थोड़ी बैठा हूँ जो जज करूंगा। ये छोटा बड़ा ये कुछ मैटर नहीं करता, दम होना चाहिए ये कोर्टों में। और मैं तो तेरा बाप हूं ना, मैं क्यों तेरा मजाक उड़ाऊंगा? एक बाप अपने मजाक कभी नहीं उड़ाता। सॉरी भैया, चल वो सब छोड़ दू, चल खोल दे पता, दिखा स्प्रेड योर लेग्स। पक्का? क्या पक्का यार, कर दे। इतना छोटा अबे दिख भी नहीं रहा, ओए काक हो गए देख रहे थे। ओए एरर 404 नॉट फाउंड, एक सेकंड रुक इससे देखता हूँ, अभी भी नहीं दिख रही, अबे है या नहीं है? अबे लुल्ली के नाम पे बुंदी है बुंदी, तेरे निप्पल इससे बड़े। ओ भाई मेरा पेट बढ़ जाएगा। ओ भाई मेरा पेट दर्द हो गया। ओए ओए काम करते हैं, चल नापते हैं किसका ज्यादा बड़ा है, आजा नापते हैं। मुझे नहीं खेलनी है गेम, ऑब्वियसली आप बड़े हो आपका, नहीं ये फेयर गेम ही नहीं है, नहीं खेलना मुझे। अरे क्यों डर रहा है यार, नापते हैं ना, कोई तो मिला जिसे मैं जीत सकता हूँ, आजा चल नापेंगे। नहीं पापा नहीं, नापेंगे नहीं, नापेंगे 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 नापेंगे। ये साली जिड्डे भी खराब है, मेरी बारी में छोटी हो जाती है। सॉरी केडी बट नो ऑफेंस यार, इसकी तो वीडियो भी नहीं बन पाएगी है, इसकी तो जिप बनेगी जिप। बेटा है ना, बेटा बन के रहे। अरे कौन सा बेटा, अपन तो दोस्त है ना, और दोस्त तो मादर चोद होते हैं, और मैं तो बहुत बड़े वाला हूँ। और हाँ मैंने मतलब एक चीज तो देख ली कि ना मेरी गलती नहीं है कुछ, ये मेरे जीन्स ही गंदे हैं सारे, तो धुलवा लेना तल्ले। जेनेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं। प्रकंड सच बता रहा हूं, साइज डजंट मैटर। केडी रहने दे, छोड़ो यार तुम, रहने दो रहने दो। नहीं मान रहा, रुक मैं तेरे को प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, रुक रुक। अब क्या कर रहे हो? अरे देख इधर बता कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है। अब रुक, अब बता कैसा लग रहा है? सेम, मजा आ रहा है। हाँ तो यही समझा रहा था मैं, इट डजंट मैटर कि आपके स्टीली है या उंगली, अगर टेक्निक सही है ना तो मजा आएगा। है, है, है। मतलब मुझे अब एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है? नो नेवर नेवर नेवर। हाँ पर अगर टेक्निक गलत हुई ना तो तेरे को एम्बैरेस होना पड़ता है, देख ले मैं सच बता रहा हूँ। और एक डूड हर दम टेक्निक पर फोकस करता है, साइज पर नहीं। और तू तो हैवी सुपर डूड है, ये मुझे ना कुछ बताना था वो। सॉरी माई बैड, गर्ल्स नहीं गर्ल, GRILL गर्ल। अ डूड शुड ऑलवेज बी वन औरत आदमी, उसको हरदम एक लड़की के साथ रहना चाहिए। ओए तेरी भी तो गर्लफ्रेंड थी ना एक, है उसका क्या हुआ, उसके साथ कितनी बार किया तूने तमंचे पे डिस्को? एक केडी रहने दो यार, गर्लफ्रेंड उसको एक्स बोलो एक्स। हैं ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हो गया केडी, टाइम हो गया उस बात को, 2 महीने हो गए हमें, लेके गया था मैं होटल उसे, पर पता नहीं यार मैं रेडी भी था लेकिन मुंह सड़ा के चली गई वो। मतलब रेडी मतलब क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तू डिटेल बता कर डिटेल। तो क्या हुआ कि मैं उसे होटल लेके गया, ठीक है, फिर वहां मैंने उतारे अपने कपड़े, फिर मैंने उससे कहा ओए आजा चढ़ जा,
करते हैं। इतने में मुंह सड़ा के चली गई वो, बताओ क्या गलती थी मेरी। वैसे ना सही हुआ, सब कहते थे पता नहीं कितनों से मुंह मारती है। आ नहीं तो किड़ी तुम लाल क्यों हो रहे हो यार, ठीक हो? आजा चढ़ जा, ई रिक्शा में सवारी बिठा रहा है, आराम जादे। इसीलिए तेरे को 9 महीने अपने पेट में पाला था मैंने तेरी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी किसलिए बोल रहा है? पता नहीं, सॉरी बोल रहा हूँ, पता ये भी नहीं पता सॉरी किसलिए बोल रहा है तेरी है तू गई। बालों को स्टाइल, तेरे को सेक्स एजुकेशन से पहले एक्स एजुकेशन देनी पड़ेगी। बैठ बैठ, फाड़ दूंगा बीच में से, चला जाऊंगा पाप धोने गंगा। पाप धोने गंगा कंड। सेक्स इज लाइक अ क्रिकेट मैच, और क्रिकेट खेलने से पहले प्लेयर्स क्या करते हैं? मैच फिक्सिंग। हाँ, क्या कह रहा चूतिया, मैच फिक्सिंग नहीं करते, वार्म अप करते हैं। वार्म अप मैच फिक्सिंग, देख मैच से पहले सारे प्लेयर वार्म अप करते हैं। अगर आपको बाउंड्री उड़ानी है ना, तो उसके लिए आपको पहले फोर प्ले करना पड़ेगा। मेरा मतलब थोड़ा उसको कंफर्टेबल कर, उसकी उसकी बातें सुन, अपनी बातें सुना, उससे फिर थोड़ा हो जाएगा है? हो जाएगा, नहीं समझ आया? गाइस वीडियो को आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। देखो गाइस वीडियो आप लोगों को पता है कि कितने खतरनाक होते हैं हर्ष बेनीवाल के, तो मैं इस पे कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, इतना एक्सट्रीम लेवल है कि मेरा कुछ रिएक्शन ही नहीं आ रहा है, मैं खुद चुपचाप देख रही हूँ। और बहुत लेंथी वीडियो है तो मैं इसको एक या दो पार्ट में देखूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो जाएगा। तो ये सस्पेंस है कि अब ये आगे क्या करने वाले हैं और इनके साथ भी क्या सस्पेंस होने वाला है। दोनों ने पी रखी है और आप लोगों को पता ही है कि जरूर कुछ ट्विस्ट आएगा ही आएगा, और बहुत खतरनाक आएगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ये खुल चुके हैं दोनों बाप बेटे। तो अभी हम लोग आधा वीडियो अभी देख रहे हैं और आधा कल मैं आप लोगों के साथ देखूंगी, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, दोनों वीडियोज देखना। और अगर आप लोगों को मेरे डेली ब्लॉग चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं डेली ब्लॉग्स भी अपडेट करूँगी। तो गाइज वीडियो बहुत खतरनाक है, आप लोग जरूर देखना, और मिलते हैं कल इसका ही नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय बाय।